धे टीवी के न्यूज दिस आर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। आज के एपिसोड में बात करेंगे एक ऐसे राज्य की जिसके पास अपना खुद का इंटरनेट सर्विस हो गया है, क्योंकि भारत में अभी तक किसी भी राज्य के पास अपना खुद का इंटरनेट सर्विस नहीं था। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने हाल ही में घोषणा की है कि केरल खुद की इंटरनेट सर्विस वाला देश का पहला राज्य बन गया है। भारत में अभी तक कोई ऐसा राज्य नहीं था। केरल सरकार के महत्वाकांक्षी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिसका नाम है केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट, जिसको वो केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड के जरिए चलाता है, उसने खुद की इंटरनेट सर्विस को अंजाम दिया है। इस पहल के जरिए केरल सरकार ने राज्य के प्रत्येक नागरिक तक इंटरनेट सेवा की पहुंच को आसान बनाया है। अपने खुद के इंटरनेट सर्विस के लिए केरल सरकार के केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड को भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP लाइसेंस मिल गया है। केरल के मुख्यमंत्री का कहना है कि यह कदम राज्य में डिजिटल डिवाइड को दूर करने में मददगार साबित होगा और समाज में लोगों के डिजिटल एम्पावरमेंट को मजबूती मिलेगी। केरल के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर संदेश दिया कि केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड अब भारत सरकार के दूरसंचार विभाग से ISP लाइसेंस प्राप्त कर चुका है और जिसके बाद से अब राज्य के लोगों के लिए इंटरनेट को एक बुनियादी मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान करने के लिए कार्यवाही शुरू हो जाएगी। गौरतलब है कि केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट में यह विचार दिया गया था कि राज्य के निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों यानी BPL फैमिलीज और 30,000 सरकारी कार्यालयों को फ्री इंटरनेट सर्विस उपलब्ध कराई जाएगी, और इसी कड़ी में केरल सरकार ने अपनी इस अभूतपूर्व उपलब्धि से देश को परिचित कराया है। केरल की वर्तमान राज्य सरकार के पहले जो सरकार वहां कार्य कर रही थी, उसने 2019 में इंटरनेट कनेक्शन को एक बेसिक राइट घोषित किया था और 1548 करोड़ रुपए की लागत से केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। तो ये था आज का हमारा न्यूज़ दिस आर प्रोग्राम। अब आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस तरीके के जो प्रयास हैं और राज्यों को किस रूप में करने चाहिए ताकि जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जो बुनियादी जरूरतें हैं, वो नागरिकों की पूरी हो सकें, और ऐसी किन किन चीज़ों को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया जाना चाहिए, इसके बारे में आप हमें बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए। नमस्कार।